हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड के दोस्तों फाइनल क्वेश्चन जारी हो चुके हैं जो आपके आज के पेपर में आ चुके हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को कंप्लीट पढ़ लीजिए ताकि आपके एक भी प्रश्न छूटने ना पाए दोस्तों। पहला प्रश्न आया हुआ आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है विद्युत ऋणात्मकता क्या है। तो किसी अणु में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बंधित जोड़े को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों फ्लोरीन होता है। क्या होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो कौन सा होता है? फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर विद्युत विभव से क्या समझते हैं। तो विद्युत विभव का क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है वह इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। मोर देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो आपके आज के प्रश्न पत्र में आ चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका आया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो लास्ट में आप देखते चलिए क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो मैं आपको केवल 5 मिनट का टाइम लेने वाला हूं, 5 मिनट में आपको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है दोस्तों, तो धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। दृष्ट धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा बदलता है दोस्तों, देन इसमें क्या होता है? दृष्ट धारा का मान एवं दिशा बदलता नहीं है दोस्तों। जो इसकी दिशा है वो बदलती नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा इसे आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। दृष्ट धारा को कठिनाई से प्रत्याधारी में बदला जा सकता है दोस्तों। जो दृष्ट धारा इसे बड़ी कठिनाई के माध्यम से दृष्ट धारा में यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है मोर देन इंपॉर्टेंट कि सूर्यास्त या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य स्तब्ध यानी रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है दोस्तों, या फिर लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इसे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है या फिर लाल रंग का दिखाई देता है दोस्तों। इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आप पढ़ लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, इनमें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों जनन किसे कहते हैं, धमनी एवं शिरा में अंतर को स्पष्ट कीजिए, एम्पियर क्या है, श्वसन क्या है, ऊतक संवर्धन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऊतक संवर्धन भी पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अम्ल और क्षार में अंतर को स्पष्ट कीजिए, सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक कौन से हैं, बाष्पोत्सर्जन क्या है, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है दोस्तों। यह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर को स्पष्ट कीजिए। फाइनली एक मोर देन इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर लैंगिक जनन क्या है दोस्तों, इसकी विशेषताएं लिखिए, पीएच स्केल क्या है, रक्त का पीएच मान लिखिए, संचारण कैसे कहते हैं, संचारण के उपाय बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से कैसे बेहतर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड है दोस्तों 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्षमा बेहता किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इस बार के 2021 के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। सजीवों में विभिन्नता का महत्व बताइए। हम डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेई नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हमारे आमाशय में अम्ल का कार्य क्या क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए, या कहें कि चुंबकीय क्षेत्र के गुण बताइए, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, जैव विकास क्या है, इस तरह से पूरे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मेंशन कर लीजिएगा, नेफ्रॉन की संरचना, तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जन की संरचना, यही वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आज आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन दोस्तों जो आपको फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम दोनों में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।